प्लांट्स भी आ गए हैं, सो अलग अलग वैरायटी के सारे ही प्लांट्स लेके आए। कम से कम एक बस देखिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है प्रोग्राम ऑफिसर्स। शौक भी पूरा करवा देंगे ताकि बाद में जब बड़ो जाएगा फिर ये बताएगा सबको कि मैंने ऐसा भी किया था, क्योंकि दोनों ना पन्नों को लेकर बड़े लड़ते हैं। फेस दिखा दो, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहे गाइस। गुड मॉर्निंग, सो कैसे हो? बढ़िया। ओके सो गाइस, अभी जो है जस्ट आज बहुत इंपॉर्टेंट डेज है, क्योंकि आज है प्लांटेशन। आज हम कर रहे हैं स्कूल में ट्री प्लांटेशन एनएसएस के वॉलंटियर सारे। सो जैसे कि आपको पता ही है कि एनएसएस का जो चार्जेस है वो मेरे पास है और दूसरे सर हैं उनके पास है, पीओ जिनको कहते हैं प्रोग्राम ऑफिसर। सो आज जो है, अभी तो सर गए हैं, वो प्लांट्स लेके आएंगे, तब तक बच्चों से डिगिंग वगैरह करवाऊँगी मैं और साथ में बाकी टीचर्स भी होंगे सक्षम। तो चलो अभी तो हम रेडी है स्कूल जाने के लिए और आज लगाएंगे प्लांट्स। सो गाइज, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी प्लांट्स ज़रूर लगाएं, क्योंकि गाइज आपको पता है कि प्लांट्स का बहुत ज़्यादा रोल रहता है जो फ्लड एरिया होते हैं वहाँ पे, जो मिट्टी होती है उसको जकड़ने में, उनकी जो जड़ें होती है बिल्कुल। तो प्लांट्स ज़रूर लगाएं, सभी अडॉप्ट कर लीजिए एक प्लांट और आप भी अपने घरों में लगाइए और उसकी केयर कीजिए, और ताकि वो काफ़ी बड़ा हो जाए और आपकी जो आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो उस पेड़ को देखें, ताकि उनको लगे कि हाँ कि हमारे पूर्वजों ने और हमारे जो बड़े हैं उन्होंने कुछ किया है। ओके तो मिलती हूँ आपसे स्कूल में। ओके चलते हैं फिर जल्दी से स्कूल। सो जब तक सर पौधे लेके आ रहे हैं तब तक बच्चे कर रहे हैं डिगिंग। और लीजिए, प्लांट्स भी आ गए हैं, सो अलग अलग वैरायटी के सारे ही प्लांट्स लेके आए। कम से कम 80-85 प्लस ये प्लांट्स थे। सो फाइनली, जैसे कि आपने देखा कि आज पूरा दिन हमने ट्री प्लांटेशन का जो प्रोग्राम था वो हमने खूब जोरों शोरों से निभाया। बच्चों ने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया और कम से कम अराउंड 85 के अराउंड प्लांट्स थे उसमें। जैसे कि आपने देखा उसमें जामुन का पेड़, आंवला और बांस का भी पेड़ था और कचनार, मतलब ये सारे पेड़ जो हर्बल थोड़ा मिक्स थे सारे, जैसे अर्जुन की छाल ये भी था। और एक पेड़ था सच में वो बड़ा अच्छा था, उसका नाम था, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, ये सुखचैन, जी हाँ सुखचैन जो था उस पौधे का नाम था। और 4-5 प्लांट्स थे तो वो भी हमने लगाया, क्योंकि सुखचैन जो पौधा है ना उसकी छाया जो है काफ़ी अच्छी होती है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसकी छाया बड़ी अच्छी होती है। सो इस तरह से पूरा हमने पूरा दिन मतलब 3 बजे तक प्लांट्स लगाए और बीच में रिफ्रेशमेंट भी हुई बच्चों को, रिफ्रेशमेंट भी बच्चों को दी गई। सच में आज काफ़ी दिन थोड़ा बहुत अच्छा फील हुआ, लेकिन हेडेक था पूरा दिन, मतलब थक गए काफ़ी टाइम से। तो स्कूल से आके मैं थोड़ा रेस्ट करी और अभी देखिए आज मुझे ड्रेस भी ले आई हूँ मैं अपनी। तो आपको पता है कि प्रोग्राम ऑफिसर्स के लिए ड्रेसेस आती है, बच्चों के लिए भी ड्रेसेस आती है, लेकिन उसमें प्रोग्राम ऑफिसर्स लिखा होता है और साथ में कैप जो मैंने लगाई थी ना उसके ऊपर भी लिखा हुआ था। सो बहुत अच्छा फील हो रहा था। चलो अभी दिखाती हूँ ड्रेस में आपको। सो ये रही मेरी ड्रेस, अपर है और साथ में जो है लोअर है, पूरा ट्रैक सूट है। सो थोड़ा सा देखिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है प्रोग्राम ऑफिसर्स एनएसएस। मैं तो इसको पूरे लाइफ टाइम के लिए अपने साथ कैरी करने वाली हूँ, अपने साथ रखने वाली हूँ, साथ मतलब अपने पास ही रखूँगी मैं, वापस नहीं करने वाली। सो अच्छी है ना। और ये देखिए, ये सर्दियों के लिए अच्छा रहेगा। और हाँ, रही कैंप की बात, 1 वीक का कैंप भी होता है, तो कैंप दिखते हैं अभी, आई थिंक अक्टूबर के आसपास लगने वाला है। सो कैंप भी जो है जारी रहेगा, कैंप भी 1 हफ्ते का लगेगा। सो उसमें भी हम सब जो है सब बच्चों के साथ पूरा दिन जहाँ भी आसपास में गांवों में जाएंगे वहाँ पे प्लांट्स लगाएंगे, सफाई करेंगे, कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स होगी उनसे जो है बच्चों को अवेयर करवाएंगे, क्योंकि एनएसएस का मेन उद्देश्य क्या होता है, एनएसएस का मेन जो है थीम और मेन ऑब्जेक्ट यही होता है जो बच्चे हैं हमारे पास +1+2 के, उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, उनको जो है सोसाइटी में रह के सोसाइटी के लोगों की समस्याओं से अवेयर करवाना, कैसे जो है उन समस्याओं से मतलब उभर के आना है वो सब सीखते हैं एनएसएस में। सो हम एनएसएस जो पीओज हैं उनका यही मेन मोटिव रहता है बच्चों को उस चीज़ के लिए आगे लाना। देखिए
मैं धागा लेके आऊँ, धागा लेके आऊँ मामा, प्लीज धागा लेके आऊँ। धागे से क्या करना है? बांधेंगे ना। फिर इसका हेलीकॉप्टर उड़ाना है जो आप करते थे। अगर बेचारा क्या करता है, इसको उड़ने देता। मैंने मजाक किया था। बांधना कहाँ है पता है ना? बांधना कहाँ है? नहीं, इसके पंखों में नहीं बांधना है, इसके पीछे बांधो। यहाँ पे, यहाँ पे नीचे करो। इसे उठाओ ना। लो लो, अब बस यही काम रह गया। इसके पंखों को मत बांधना। रक्षाबंधन आ रही है ना? रक्षाबंधन। अच्छा राखी बांधेगा अभी इसको। मेरे हाथ से निकलना चाहिए। नीचे से जल्दी करना, पंखों को मत काटना, पंखों को मत करना। आराम से बांधना इसको, आराम से, जैसे इसको दर्द ना हो। बचपन का ये शौक भी पूरा करवा देंगे, ताकि बाद में जब बड़ो जाएगा फिर ये बताएगा सबको कि मैंने ऐसा भी किया था जैसे आपने बताया। आराम से मम्मा प्लीज, एक बच्चे की इच्छा पूरी कर दो। बच्चे की इच्छा पूरी कर दो? मेरी इच्छा के लिए बेचारा ये तरफ आया है, उसका क्या है? सॉरी, नहीं बांध पाए इसको। हम सच में नहीं बांधा जा रहा था हमारे से ये, हमें ऐसा लगा कि ज़्यादा जोर से बांधेंगे तो बेचारा ये मरना चाहे कहीं, तो इसको हम छोड़ रहे हैं बस। अब उड़ जा, ये तो बेचारा उड़ भी नहीं रहा है। उड़ गया, उड़ गया। So guys, सुबह के बज रहे हैं 10, खाना बन रहा है। So guys, तैयार हो गई हमारी पूरी, चाय, अचार। देखिए निशानी लगाई जा रही है पेन को, थोड़ी थोड़ी लगा निशानी, बस बस काफी कट हो गया, क्योंकि दोनों ना पेनों को लेकर बड़े लड़ते हैं, क्योंकि पेन एक दूसरे के पास चले जाते हैं। ये ले, इनको भी लगा। So guys, कल छुट्टी है मंडे की, क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट बताया गया है कल 14 तारीख को, 14-15 को। सो इस खुशी में मीत बना रहा है स्प्रिंग रोल, तो देखिए क्या क्या हो रहा है अभी। मैं तो अभी आई जस्ट देखने के लिए, मैं तो अभी देख रही हूँ। आराम से डालो, आराम से। ये इसने आटा मिक्स किया है, मिक्स किया है, गेहूँ का आटा है, थोड़ा चावल का आटा है, मैदा बहुत कम, मैदा मतलब मैदा है ही नहीं इसमें। ये दो मैदे के बनाए, कितने टेस्टी लग रहे हैं मीत देखने में ये। जल्दी कर ले, फेस दिखा, फेस दिखा दो। कोई बात नहीं, अच्छा लग रहे है, अच्छा लग रहे है। और ये देखो, ये इसने पहले मैगी बनाई, मैगी नूडल्स का, इसी की फिलिंग करके बना रही है आराम से। और पहले तो ये किसमें पकाए? ये मैंने फुल उसमें। अच्छा पहले तवे पे, तो अच्छा पहले तवे पे किए। ओके, रील्स भी रखी है, रील बांधने के लिए। हाय सो यम्मी मीत, जल्दी कर लो जल्दी। एक बार बना देता हूँ ना, मैगी को जाने को चाहिए। हाय सच में बहुत मजा आने वाला है, तो आज का डिनर तो मस्त बनने वाला है। Thank you.